हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो इंड्यूस्ड डीएमएफ है या ईएमएफ का, इसका जनरेशन का कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का बारे में आज की वीडियो में हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। जो सबसे पहले जो ईएमएफ जनरेशन का जो प्रिंसिपल है वो हमारा फैराडेस लॉ, जो फैराडेस का जो फर्स्ट लॉ है, इसकी लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फैराडे राय है, वेन एवर देर इज स्पेस वेरिएशन आर टाइम वेरिएशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सेट ऑफ कंडक्टर्स, देन ओनली ईएमएफ कैन बी जनरेटेड इन द सेट ऑफ कंडक्टर्स। कभी भी आपको जो मैग्नेटिक फील्ड और सेट ऑफ कंडक्टर्स का बीच में, ये दोनों के बीच में रिलेटिव स्पेस वेरिएशन है, मतलब फिजिकली स्पेस का वेरिएशन है या नहीं है तो टाइम वेरिएशन है, अगर कोई भी टाइम वेरिएशन है तब देन ओनली सिर्फ तभी है हमको ईएमएफ इंड्यूस होगा या ईएमएफ जनरेट होगा उसी का सेट ऑफ कंडक्टर्स में फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमको ईएमएफ जनरेट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होना चाहिए और सेट ऑफ कंडक्टर्स है वो भी होना जरूरत है। जैसे हमारा मशीन में वाइंडिंग यूज करते हैं वही हमारा सेट ऑफ कंडक्टर्स है। इसके बाद रिलेटिव स्पेस वेरिएशन या टाइम वेरिएशन होना चाहिए, अगर ये तीनों है तब भी हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको या ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है और सेट ऑफ कंडक्टर्स है और रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, मतलब आपको कंडक्टर्स या नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों में कोई आपको फिजिकली मूव हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तब आपको जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है और सेट ऑफ कंडक्टर्स रोटेट हो रहे हैं रोटर पे, तब आपको क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर्स के बीच में स्पेस वेरिएशन है। एक फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर एक टाइम पे नॉर्थ पोल पे है तो दूसरे टाइम पे साउथ पोल है फिर नॉर्थ पोल है, तो आपको रिलेटिव स्पेस वेरिएशन हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और सेट ऑफ कंडक्टर्स के बीच में रिलेटिव स्पेस वेरिएशन हो रहे हैं तब आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड, सेट ऑफ कंडक्टर्स और रिलेटिव स्पेस वेरिएशन बिटवीन देम, वो तीनों प्रेजेंट है तो इसको हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड, सेट ऑफ कंडक्टर्स और रिलेटिव टाइम वेरिएशन है, अगर आपको जो फ्लक्स ही अल्टरनेटिव फ्लक्स है उसकी वजह से जो आपको जो फ्लक्स है टाइम वेरिंग फ्लक्स है, टाइम के साथ जो साइनसोइडल फ्लक्स बन रहे हैं उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो आपको जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारा जो जितना भी हमारा जो जनरेटर्स है, सिंक्रनस जनरेटर्स या नहीं है तो इंडक्शन जनरेटर्स है, वो सब आपको डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जैसा आपको बाकी की भी कोई भी सिस्टम पे, कोई भी कॉइल से या इनफैक्ट ट्रांसफार्मर पे जो आपको ईएमएफ इंड्यूस होते हैं वो बेसिकली स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है फ्रेंड, सो जो मैग्नीट्यूड है डायनेमिकली इंड्यूस्ड डीएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड डीएमएफ क्या होते हैं वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड है डायनेमिकली इंड्यूस्ड डीएमएफ है वो हमको पता चलेगा फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर लगा दिया, ठीक है, वो कंडक्टर लगा दिया तो क्या होगा, वो कंडक्टर का जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपको ओनली इतना है, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर होगा उतना ही पार्ट में आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर ये रोटेट हो रहा है तो, या मतलब स्पेस वेरिएशन हो रहा है तो। ठीक है, सो जितना आपको फील्ड में, फील्ड का अंतर है उतना में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसीलिए इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, टोटल लेंथ में इंड्यूस नहीं होगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रेजेंट है जैसे एक्स वाई है उतना ही आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपका जो कंडक्टर इन केस मूव हो रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको कंडक्टर का वेलोसिटी ऐसे ही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, तब आपको क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट फॉर्मूला ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो जैसे एक्स वाई है जितना लेंथ है आपको मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है,
इनटू इस कंडक्टर का जो वेलोसिटी है इनटू जो साइन ऑफ एंगल है, जो कौन सी मतलब कितना वेलोसिटी से जो घूम रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो वेलोसिटी का जो एंगल है इसका ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल क्यों बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर स्ट्रेट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट है, तब आपको क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन पे है, तब इस दोनों के बीच में एंगल जीरो है, इसी का साथ में पैरेलल है। ठीक है, तब इसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड में ये आपको ये एंगल जीरो है तो इंड्यूस डीएमएफ भी जीरो होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई भी वेरिएशन नहीं है, क्योंकि आपको फ्लक्स भी उसी स्पेस में उसी एंगल पे है, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी उसी एंगल पे है, तब आपको ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। अगर ये कंडक्टर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का पोजीशन पे जो रोटेट होने का टाइम पे, तब आपको क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है और कंडक्टर ऐसे ही है, तब आपको 90 डिग्रीज में है सो थीटा 90 है सो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ED इक्वल टू BLV है अगर आपको कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है आपको 90 डिग्री से है तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस एंगल है ये, अगर आपको कंडक्टर और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर इसका बीच में एंगल जीरो है अगर सेम स्पेस में है तब इसका इंड्यूस DMF होगा जीरो। फॉरडे लॉ के हिसाब से भी जो स्पेस वेरिएशन सबसे मैक्सिमम होगा 90 डिग्रीज में है और जीरो में आपको कोई भी स्पेस डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये बेसिकली स्ट्रेट कंडक्टर में, लेकिन हमेशा कंडक्टर स्ट्रेट नहीं होते हैं कुछ का, ठीक है, तब आपको क्या लेना है, फॉर एग्जांपल इनडेफिनेट शेप कंडक्टर है, कंडक्टर ऐसे ही है, तब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हम लोग जैसे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में करते हैं ऐसे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का जैसे आपको डिफरेंशियल एक छोटी सी लेंथ ले लीजिए, वो लेंथ तो स्ट्रेट होगा। ठीक है, एक छोटी सी लेंथ ऐसे ले लीजिए, अगर ये शेप ऐसे है तो ऐसे एक छोटी सी लेंथ अगर स्प्लिट करेगा तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर बनेगा, ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में बनकर आपको ये कंडक्टर बन रहे हैं। सो एक छोटी सी लेंथ है वो आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं, उसको हम लोग DL लेंथ बोलेंगे, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये DL लेंथ है, उस लेंथ में आपको क्या EMF इंड्यूस हो रहे हैं और इसको ये सारे DLs इतना भी आपको लेंथ को अगर ऐड करेगा तो जो EMF जनरेट होगा वो फाइनल इंड्यूस EMF है, राइट। इसी को हम लोग मैथमेटिकल में इंटीग्रेटर फॉर्मूला यूज करते हैं, सो ED इज इक्वल टू जीरो टू लाइन का जो इतना तक जो इसका लेंथ है जो इफेक्टिव लेंथ है उस लेंथ में आपको कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इतना लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इनटू बीवी मैक्सिमम फ्लेक्सर डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू ए डी एल का अगर समेशन है इंटीग्रेशन करेगा तो आपको इसका इंड्यूस DMF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो इंड्यूस DMF जो मिल रहा था उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया है, और इसका डायरेक्शन बताते हैं हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है या नहीं है तो इसको जनरेटर प्रिंसिपल, जनरेटर का इंड्यूस DMF डायरेक्शन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो जो डायनेमिकली इंड्यूस DMF जो जनरेट हो रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है हमको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आएगा, ये बेसिकली क्या आएगा आपका जो मैग्नेटिक है और इसका जो मोशन है उसका एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का डायरेक्शन में आपको करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, यही आपको बोलते हैं अगर आपका जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, अगर आपको जो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपका थंब है राइट हैंड का अगर वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन मोटर घूम रहे उस डायरेक्शन दिखा रहेगा तो इसका 90 डिग्रीज में आपका जो आपका मिडिल फिंगर जो रिप्रेजेंट करते हैं आपको इंड्यूस EMF या करंट का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग मैथमेटिकल में हम लोग क्रॉस में हम लोग देखते हैं, सो ED इज बेसिकली जो इंड्यूस EMF होगा वो बेसिकली इसका जो मोशन है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बी का इसका क्रॉस है, इसका जो क्रॉस आएगा इसका 90 डिग्रीज वाला आएगा इनटू लेंथ है स्ट्रेट कंडक्टर में, और इंडेफिनेट कंडक्टर में जीरो टू लेंथ वी इंटू बी वेलोसिटी इंटू बी का इसका क्रॉस है, सो आपको 90 डिग्रीज का प्रोडक्ट आएगा, वो दैट इज इंड्यूस DMF है। ठीक है फ्रेंड, ये बेसिकली आपको मतलब आपको डायनेमिकली इंड्यूस DMF है, अभी आपको जो स्टैटिकली इंड्यूस DMF है वो स्टैटिकली इंड्यूस DMF के लिए फैराडेस का सेकेंड लॉ है, जो मैग्नेटिक इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बेसिकली आपका इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, जो फ्लक्स लिंकेजेस होगा उतना ही आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा फैराडेस का सेकेंड लॉ के हिसाब से। तो स्टैटिकली इंड्यूस DMF क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है, फ्लक्स लिंकेजेस
क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू हमारा जो फ्लक्स है, दैट इज फ्लक्स लिंकेजेस, ठीक है, एन फाई, ठीक है, एन फाई है हमारा फ्लक्स लिंकेजेस है। सो अगर आप देखेगा तो जो हमारा करंट है बेसिकली आई इंटू आई एन साइन ओमेगा टी, हमारा साइनसोइडल करंट है, ठीक है। सो साइनसोइडल करंट है तो इसका जो एम एम एफ बनेगा, एम एम एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट है, सो वो भी आपको साइनसोइडल ही बनेगा, एन आई एम, इट इज कॉन्स्टेंट है, सो साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे करंट का बनेगा ऐसे आपको एम एम एफ का भी बनेगा इन फेज में, जैसे एम एम एफ का बनेगा तो इसका जो फ्लक्स है एम एम एफ बे रिलेक्टेंस है, सो रिलेक्टेंस आपका कॉन्स्टेंट है, सो एन आई एम बे आर है वो आपको कांस्टेंट बनेगा, वो आपको फाइव एम बनेगा, सो फ्लक्स भी आपको साइनसोइडल बनेगा। तो करंट साइनसोइडल है तो इसका जो एम एम एफ है साइनसोइडल बनेगा, एम एम एफ की वजह से अगर इसका जो कोर है या एयर है इसका जो रिलेक्टेंस के हिसाब से है इसका जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो फ्लक्स भी आपको साइनसोइडल होगा। इसीलिए आपको करंट और फ्लक्स हमेशा आपको इन फेज में रहते हैं, सॉरी फ्रेंड, इसके बीच में कोई भी आपको एंगुलर डिफरेंस नहीं रहते हैं। आपको जो आप फेजर आप अगर आप इसको ड्रा करेगा तो ये दोनों फेजर हमेशा इन फेज में रहते हैं, जिस करंट का वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो इसी के साथ इन फेज में रहते हैं। इसकी बात है जो इस फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से जो स्टैटिकली इंड्यूस डीएमएफ होगा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है। सो रेट ऑफ चेंज को हम लोग डी बाई डी टी में हम लोग करते हैं, सो इट इज डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस एंड इन टू फ्लक्स है, सो डी बाई डी टी ऑफ एंड इन टू फ्लक्स है, ये हमारा फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है। इसमें हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है एन इज कॉन्स्टेंट है, सो हमारा इंड्यूस डी एम एफ इज इक्वल टू एन इन टू डी फाइव बाई डी टी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये माइनस क्यों आ रहे हैं, माइनस इसीलिए आ रहे हैं वो हमारा लेंस लॉ का वजह से आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। सो बेसिकली ई एस इक्वल टू एन इन टू डी फाइव बाई डी टी है, सो अगर ई एस इक्वल टू माइनस एन इन टू डी फाइव बाई डी टी लिख दिया तो ये बेसिकली हमारा फैराडेस लॉ और लेंस लॉ को क्लब करके ये हमारा इक्वेशन है। अगर ओनली फैराडेस लॉ को कंपेयर करें फैराडेस लॉ के हिसाब से ये इक्वेशन है ई एस इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी है। अगर इसका जो डायरेक्शन भी अगर लेंस लॉ के हिसाब से हम डाल दिया तो ई एस इक्वल टू माइनस एन इन टू डी फाइव बाई डी टी है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी लेंस लॉ क्या होगा वो हम देख लेंगे। लेंस लॉ के हिसाब से क्या है फ्रेंड, जो हमारा इंड्यूस डीएमएफ हो रहे हैं, ठीक है, वो इंड्यूस डीएमएफ का वजह से जो करंट बनेगा अगेन, वो करंट का वजह से जो फ्लक्स बनेगा अगेन, ठीक है, वो फ्लक्स से इसका जो मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, ये इंड्यूस डीएमएफ होने का जो मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है फ्रेंड, ये फ्लक्स है। ये फ्लक्स क्यों बन रहा है, इसका करंट की वजह से, राइट। ये करंट क्यों बन रहा है, इसका अप्लाइड वोल्टेज की वजह से। तो इसका जो मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन है उसको ये उसका रेट ऑफ चेंज को ये आपको रोकेगा। इसका मेन कॉज क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इंड्यूस डीएमएफ है ये बेसिकली ये फ्लक्स टाइम वेरिंग है, ये फ्लक्स साइनसोइडल फ्लक्स है, ये टाइम के साथ वेरी हो रहे हैं, इसकी वजह से ये बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो हो रहा है उसकी वजह से जो इंड्यूस डीएमएफ हो रहे हैं, तो हमारा जो इस इंड्यूस डीएमएफ की वजह से जो करंट जाएगा वो करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स क्या करना है, इस फ्लक्स को चेंज होने के होने ही नहीं देना है, ठीक है, वो होने ही नहीं देना है। मतलब क्या करना है फिर, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को वो जीरो करना चाहिए, तब भी ये हमारा लेंस लॉ के हिसाब से फुलफिल होते हैं, ठीक है। सो इंड्यूस डीएमएफ का वजह से जो करंट बनेगा, जो करंट का वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को वो नलीफाई करना है, जीरो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को नलीफाई कब होगा फ्रेंड्स, आपको जनरली कोई भी दो क्वांटिटी से, फॉर एग्जांपल फ्लक्स फाइव वन है, हमारा फ्लक्स फाइव टू है, ठीक है, अगर ये दोनों को अगर आपको इफ फ्लक्स को जीरो करना है तब आपको ये क्या करना है, इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो इंड्यूस डीएमएफ की वजह से जो करंट बनेगा वो करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स इसको 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए, तब क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेंस का ये नहीं बोलते हैं, लेंस हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बेसिकली फ्लक्स की वजह से नहीं है। अगर ये फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये फ्लक्स है टाइम वेरिंग है इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। हमको फ्लक्स को अपोज नहीं करने हैं लेंस लॉ के हिसाब से, तो हमको 180 डिग्री नहीं होने, हमको फ्लक्स को कभी भी अपोज नहीं करने हैं, हमको फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, ये फ्लक्स ये टाइम के साथ जो वेरी हो रहे हैं
उस वेरिएशन को हमको अपोज करना है, उस वेरिएशन को अपोज करना है तो ये फ्रैक्शन 180 डिग्रीज नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन 90 डिग्रीज होना चाहिए। 90 डिग्रीज हो गया तो आप देख लीजिए फ्रेंड, हमेशा जो फ्रैक्शन है फाइव मैक्स ही होगा। यहाँ देख रहे तो फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट पे हमारा जो फ्लक्स होगा फाइव मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स ही होगा। फाइव वन माइनस फाइव टू ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स ही होगा। अगर इसको देख लिया तो इसमें इतना ये माइनस ये करेगा तो जो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। इसका मैक्सिमम पॉइंट पे भी देख लीजिए, ये माइनस ये आपको मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। ऐसे आपको कोई भी पॉइंट पे देख लीजिए, इसका जो डिफरेंस है हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक है, मतलब आपको कभी भी इसका कोई भी दो क्वांटिटीज अगर इसको जीरो करने हैं, एग्जैक्टली जीरो करने हैं, तब वो दोनों आपको 180 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए तो वो 180 डिग्रीज होना चाहिए। अगर कोई भी क्वांटिटी इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को जीरो करना है, ठीक है, अगर इसका वेक्टर को ही जीरो करना है तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, 180 डिग्री से अपार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर ये जो चेंज हो रहे है उसको अगर आपको जीरो करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसका जो वेरिएशन को जीरो करना है, तो वो दोनों वेक्टर्स हमेशा 90 डिग्रीज होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, आपको अगर ये दोनों 90 डिग्री से है तो क्या हो रहे हैं, इसका फ्लक्स है हमेशा फाइव एम ही रहेगा। तो फाइव एम ही रहेगा तो इसका कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं है, फ्लक्स चेंज ही नहीं है तो आपको ई एम एफ इंड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लिंक्स जो आपका जो ये जो इसका इस इंड्यूस डीएमएफ हो रहे है, वो इंड्यूस डीएमएफ है जो इसका जो मेन कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन है, वो जो मेन कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। ठीक है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को वो जीरो करना है, मेन कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन को अपोज करना चाहिए। तो मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, उसको जीरो करना है, उसको जीरो करना है तो उसकी वजह से जो इसका जो करंट आएगा उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो बेसिकली इसका इस फ्लक्स पे 90 डिग्री होना चाहिए, तब भी आपको लेंस लॉ फुलफिल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो तब भी फुलफिल होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत समझते हैं इसका जो फ्लक्स को अपोज करना चाहिए बोलते हैं, लेकिन फ्लक्स को अपोज नहीं करना है आपको, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, कभी भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इसका जो वेरिएशन को अपोज करना है तो वो दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री होना चाहिए। सो इसका 90 डिग्री हो गया। अभी इसका जो मैग्नेट है, इसका जो बेसिकली इसको समझने के लिए पहले करंट और फ्लक्स कैसे बनते हैं। अगर कभी भी कंडक्टर में आपको अगर आपको करंट जा रहे हैं, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है करंट जा रहे हैं, तो आपको ये थंब रूल के हिसाब से क्या है, आपका जो करंट जा रहे हैं अगर वो आपको थंब का डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट हैंड का थंब का डायरेक्शन में है, तो जो फिंगर्स दिखते हैं वो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन दिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको स्ट्रेट कंडक्टर में। लेकिन हम लोग जैसे मैग्नेटिक्स का इलेक्ट्रिकल का बेसिक्स का बताया था, उसमें हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग कॉइल का रूप में हम लोग बनाते हैं, सो दैट इसका फ्लक्स है एक दूसरे से ऐड करके एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बनेगा, इसका जो इंटेंसिटी भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉइल का रूप में लेते हैं, कंडक्टरों का हमेशा ऐसे यूज नहीं करते, हम लोग कॉइल का रूप में इसको वूंड करते हैं। सो जब कॉइल का रूप में हो गया है तो इसी प्रिंसिपल है, अभी आपको चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो गया। कॉइल का रूप में ले लिया तो जो इसका कॉइल में जो करंट जाते हैं अगर वो आपको कर्व्ड फिंगर में दिख रहा है तो इसका जो फ्लक्स है वो आपको थंब का डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, सो ये इसका प्रिंसिपल है, इसका जो डायरेक्शन करंट और फ्लक्स का बीच में। ठीक है, अगर अभी हम लोग देख लेंगे जो सेल्फ इंड्यूस डीएमएफ है, ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा एक आयरन कोर में दो कॉइल लगाया था। ठीक है, एक कॉइल है, कॉइल ये, ठीक है, कॉइल ये में जैसे ही कभी भी आपको करंट जा रहा है तो, ठीक है, कॉइल ए में जो करंट जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉइल ए में करंट जा रहा है तो इसकी वजह से जो करंट इसका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बेसिकली सेल्फ इंड्यूस डीएमएफ, मतलब क्या है आपको, जो इस कॉइल का वजह से, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस कॉइल में हम लोग वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें जो करंट जाएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज अगर आपको साइनसोइडल वोल्टेज है तो इसका जो वजह से जो करंट जाएगा वो भी आपको साइनसोइडल करंट है, वो कॉइल में घुसा उसकी वजह से जो करंट है वो करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा
वो फ्लक्स है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ साइनसोइडल फ्लक्स है। अगर साइनसोइडल फ्लक्स है तो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इसका खुद का करंट है, खुद का करंट की वजह से वो खुद का फ्लक्स बना, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं उसका हम लोग सेल्फ मतलब खुद का है, खुद का इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं। ठीक है, उसका ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू फैराडेस का ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस अभी क्या है, जो कॉइल फर्स्ट कॉइल है इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन वन है, सो डी बाई डी टी ऑफ एन वन इंटू फाइव है, सो एन वन कॉन्स्टेंट है तो दैट इज इक्वल टू माइनस एन वन इंटू डी फाइव बाई डी टी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस एन वन इंटू डी फाइव बाई डी टी है। लेकिन अभी यहाँ आप देखिएगा तो जैसे हम लोग जो बेसिक्स मैग्नेटिक बेसिक्स में हम लोग इंडक्टर के बारे में बताया था, अभी ये इंडक्टर कैसे काम आता है बताता हूँ फ्रेंड्स। एक जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग कॉइल के रूप में दे दिया है, तो ये बेसिकली एक इंडक्टर का फीचर भी आ गया इसमें। ये इंडक्टर क्या करते हैं अभी आप देख लीजिए, जैसे इंडक्टर को बताने के लिए हम लोग सिंपली ये डी फाइव बाई डी टी को मैं सिंपली ये लिखता हूँ फ्रेंड्स, डी फाइव बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, डी आई डी आई कैंसिल हो गए तो ये माइनस एन वन इंटू डी फाइव बाई डी टी बन गया। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एन वन इंटू डी फाइव बाई डी आई है, दैट इज नथिंग बट हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, सो बेसिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है बेसिकली वो बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे ये कॉइल को एक बार हमने वाइंडिंग का रूप में ले लिया तो उसका एक फीचर आया, फिजिकल एक फिजिकल प्रॉपर्टी आया इसका, जो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू माइनस एन वन इंटू डी फाइव बाई डी टी है। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज एन वन इंटू डी फाइव बाई डी टी है, नेगेटिव में लिखती है फ्रेंड्स, सॉरी ये बेसिकली लेंज़ लॉ के हिसाब से आ रहे हैं, ये बेसिकली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन वन इंटू डी फाइव बाई डी टी है। ठीक है, सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली क्यों आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से आ रहे हैं। अगर इसका इसका इंडक्टेंस के साथ देखेगा तो कभी भी इंडक्टेंस है, कभी भी कॉइल का रूप में है तो इसका कॉइल का इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा है तो इंडक्टर का बिहेवियर क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये अपोज करेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये अपोज करेगा, यही बेसिकली ये कैसे अपोज कर रहे हैं, ये बेसिकली इसका अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो करंट बनेगा उसकी वो करंट है बेसिकली इसको अपोज करेगा। ठीक है, वो बेसिकली ये हो रहा है। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक के रूप में हम बात करेंगे तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस की वजह से जो हो रहे हैं उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो क्रिएट होगा वो बेसिकली आपको करंट बना देगा, वो करंट आपको फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स आपको ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को नलीफाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली आपको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, इसी इंडक्टेंस को, ये इंडक्टेंस क्यों हो रहे हैं, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और करंट है। ठीक है, ये दोनों की वजह से। ठीक है, अगर आपको कभी भी आपको इसका कॉइल में आपको करंट चेंज ही नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स सॉरी, अगर आपको कभी भी आपको कॉइल में आपको करंट चेंज नहीं होगा तो इसमें आपको इंडक्टेंस का बिहेवियर ही नहीं आएगा, आपको जो ईएमएफ ही नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपको करंट चेंज होने की वजह से इस कॉइल का खुद का इंडक्टेंस का नेचर की वजह से भी आपको ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर आप देखेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंस का क्या हो रहा है हमारा, ये बेसिकली जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपको इसका जो फ्लक्स है, इसका फ्लक्स से इससे 90 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, फ्लक्स से 90 डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन इंडक्टेंस का प्रिंसिपल के हिसाब से वजह ये इंडक्टेंस से क्या होगा, इसका जो करंट है, इसका जो मेन कॉज ऑफ करंट का कॉज क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का वजह से। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का वजह से, सो इसीलिए जो करंट जो जाएगा वो करंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करेगा। ठीक है, इंडक्टर का नेचर है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करेगा, तो ये करंट है आपको 90 डिग्री से लैग होगा, और उस करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ बनेगा वो इस फ्लक्स से 90 डिग्री से और लैग होगा। इसीलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा जो सप्लाई वोल्टेज है, जो अप्लाइड वोल्टेज को 180 डिग्री एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट इसीलिए हो रहे हैं, इंडक्टर का नेचर का वजह से जो करंट है बेसिकली
जिस सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग होगा, ठीक है, इसीलिए प्योर इंडक्टिव कॉइल में एग्जैक्ट 90 डिग्री से रहते हैं करंट, ठीक है। तो 90 डिग्री से लैग होगा, और जैसे ही 90 डिग्री से लैग है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, वो आपको 90 डिग्री और लैग होगा, सो आपको सप्लाई वोल्टेज और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दोनों एग्जैक्टली 180 डिग्री से ऑपोजिट ऑपोजिट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तब ये क्या होता है, अगर ये दूसरा कॉइल है इसी कोर पे, अगर ये एक और कॉइल लगाया और ये दोनों कॉइल को इसी फ्लक्स की वजह से जो हमारा फैराडेस लॉ के हिसाब से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए, आपको कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्लक्स से, अगर ये दोनों कॉइल को हम लोग फ्लक्स का रूप में अगर इसको एक बॉन्डिंग बनाया, ये फ्लक्स के इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन इसी यही है हमारा आयरन कोर है, हाँ आयरन कोर के अंदर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स आपको सेम है, ठीक है। जैसा ये आपको ऐसे ही पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे दिखाया था, लेकिन जनरली आपका कोर है आपको क्लोज्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपको फ्लक्स क्लोज नहीं होगा, ठीक है, फ्लक्स को क्लोज होना चाहिए, इसीलिए जनरली कोर आपको क्लोज्ड ही होते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे दिखाया था। तो अभी क्या हो रहे हैं, इस ईएमएफ वोल्टेज की वजह से जो करंट गया वो करंट की वजह से जो फ्लक्स बना है वो फ्लक्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, वो फ्लक्स जैसे इसके साथ लिंक हो रहे हैं वो आयरन कोर में यही फ्लक्स हो रहे हैं, सो इसमें भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिला, और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो डिपेंड करते हैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का वजह से जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बना उसकी जो फ्लक्स लिंकेजेस है दैट इज इक्वल टू हमारा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ और लेंज लॉ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स है इसका नंबर ऑफ टर्न्स एन टू ए, क्योंकि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एन टू इंटू फ्लक्स है वो कॉमन फ्लक्स है सेम फ्लक्स है, सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन टू इंटू फाइव है, एन टू कॉन्स्टेंट है इसीलिए म्यूचुअल इंड्यूस्ड डीएमएफ इक्वल टू माइनस एन टू इंटू डी फाइव बाई डी टी है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी हम लोग अगर इसको इंडक्टेंस के रूप में अगर इंड्यूस डीएमएफ को देखना है तो सिंपली आप डी फाइव बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी कर दीजिए, क्योंकि डी आई डी आई कैंसिल है तो ये आपको सेम ही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी ये जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू ई म्यूचुअल इक्वल टू माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी है, जो यहाँ आपको एम आ रहे हैं दैट इज माइनस एन टू इंटू डी फाइव बाई डी आई है, ठीक है, ये बेसिकली आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो एम है यहाँ, ठीक है। और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं दैट इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से, इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से जो फ्लक्स बना उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं दैट इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इसका जो इंडक्टेंस जो बनाया था दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी क्या करेगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करेगा, इसकी वजह से जो एक ईएमएफ जनरेट करेगा वो ईएमएफ की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो बेसिकली इस करंट को अपोज करेगा, वो कैसे अपोज करेगा, बेसिकली इसकी ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट बने इसका जो करंट बनेगा वो करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स से इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को वो अपोज करेगा। जैसे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा तो क्या होगा, इसका इसका जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा तो इसका जो मेन कॉज ऑफ इस प्रोडक्ट ने वो आपको अपोज कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से जो इंडक्टेंस बना था इस कॉइल का दूसरी कॉइल, ये करंट की वजह से जिसका जो इंडक्टेंस बनाया है इसको हम लोग रेट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ये खुद का नहीं है इसकी वजह से जो आया था, ठीक है। तो ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बाद है जो हमारा मैग्नेटिक कपलिंग है, जैसा लास्ट टाइम में भी बताया था, जो मैग्नेटिक कपलिंग है बेसिकली दो प्रकार का कपलिंग हो सकते हैं, एक पॉजिटिव कपलिंग, पॉजिटिव कपलिंग मतलब अगर इसकी ये दोनों को फ्लक्स, अगर कॉइल ए और कॉइल बी है दोनों को मैग्नेटिकली कपल किया था आपने, ठीक है, मैग्नेटिकली कपल किया तो इसकी जो फ्लक्स बनेगा अगर वो दोनों फ्लक्स एक दूसरे सेम डायरेक्शन में, अगर ये दोनों फ्लक्स ऐड होकर आपको जो फ्लक्स नेट फ्लक्स बढ़ेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा
पॉजिटिव कपलिंग बोलते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में एक करंट का डायरेक्शन ऐसे ही है, आप राइट हैंड थंब रूल मतलब आपको जो फिंगर रूल दे दीजिए, इससे आपको करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा ऐसे होगा, ठीक है। कर्व्ड फिंगर्स ऐसे है तो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। और इसमें भी आपको फ्लक्स क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इस ये कॉइल और ये कॉइल दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन सेम ही है, तो ये दोनों फ्लक्स क्या होगा आपको ऐड होगा, टोटल फ्लक्स है इस कॉइल का फ्लक्स प्लस इस कॉइल का फ्लक्स, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिव कपलिंग बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कपलिंग। लेकिन आप जनरली क्या है, हमारा सर्क्यूट में हम लोग को करंट है इनविजिबल क्वांटिटी है, करंट का डायरेक्शन क्या है हमको जनरली पता नहीं है, इनविजिबल क्वांटिटी है, फ्लक्स भी पता नहीं है, फ्लक्स का भी। तो बेसिकली फ्लक्स ऐड हो रहे हैं तो हमको पॉजिटिव कपलिंग है, अगर ये फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव कपलिंग बोलते हैं। लेकिन ये फ्लक्स और करंट है दोनों इनविजिबल क्वांटिटीज है, तो इसीलिए बेसिकली फ्लक्स इनविजिबल क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आपस में एक बार एक आयरन कोर में अगर दो कॉइल बन गया है तो ये दोनों का कॉइल का पॉजिटिव कपलिंग या नेगेटिव कपलिंग आप कभी भी पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए एक नोटेशन लेकर आया था, इसको हम लोग डॉट नोटेशन बोलते हैं। एक डॉट नोटेशन कौन कैसे लेकर आया था, जब इस वाइंडिंग को बनाते हैं तभी ये फर्स्ट वाइंडिंग जैसा कोर का फ्रंट साइड से नहीं है तो बैक साइड से जो लेकर आया उसमें एक डॉट लगा देगा, ठीक है। जो बेसिकली जो कोर का जो उस कॉइल का जो करंट एंटरिंग या नहीं तो जिस करंट एंटरिंग डायरेक्शन या नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट को इसको हम लोग डॉट नोटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डॉट लगा दिया, यही आपको करंट एंटरिंग पॉइंट या नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट है इस कॉइल का, ठीक है। और यहाँ देखेगा तो आपको यहाँ है, ठीक है। सो आपको कभी भी आपको डॉट है हमेशा दोनों को अगर बाहर की तरफ है, ठीक है, और अगर कॉइल का फ्रंट एंड में दोनों है तो इसको पॉजिटिव कपलिंग बोल सकते हैं, ऐसा आप जोड़ दिया तो, ठीक है, ऐसा आप जोड़ दिया तो इसको पॉजिटिव कपलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक और डायरेक्शन में यहाँ आप देख लीजिए, अगर मैं आपको करंट का ये क्या है, कॉइल आपको अंदर की तरफ जा रहे हैं बैक साइड तरफ से इस कॉइल इस कोर में, ठीक है। अभी भी आप इसका जो राइट हैंड थंब रूल ले लीजिए, इसकी वजह से क्या होगा आपको करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो फ्लक्स का डायरेक्शन आपको ऐसे होगा, और इस कॉइल का भी आपको करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो फ्लक्स का डायरेक्शन आपको ऐसे होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पॉजिटिव कपलिंग है, तो आपको डॉट नोटेशन इसमें भी आपको पॉजिटिव कपलिंग है, डॉट नोटेशन देखेगा तो आपको करंट का डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, ठीक है। तो डॉट नोटेशन के हिसाब से जो आपको कॉइल्स का सेम तरफ आपको डॉट नोटेशन है तो उसको पॉजिटिव कपलिंग है कनेक्ट किया, तो अगर आपको ऑपोजिट तरफ है जैसे यहाँ देख लीजिए, एक कॉइल है आपको बाहर की तरफ लिया, एक का दूसरे का करंट डायरेक्शन आपको अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ आपको देख लीजिए तो इसका करंट का जैसे जो फ्लक्स बनेगा दैट इज आपको यहाँ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसकी करंट का जैसे अगर आप राइट कर्व्ड फिंगर या थंबर यूज कर रहे हैं तो इसमें फ्लक्स जो बनेगा वो आपको ऐसे बनेगा, ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो नेट फ्लक्स से क्या होगा आपको 5A-5B है, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव मैग्नेटिक कपलिंग बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव कपलिंग बोलते हैं। इसको हम लोग डॉट नोटेशन से देखेगा तो ये आपका डॉट नोटेशन है, करंट एंटरिंग साइड है, ये आपका डॉट नोटेशन है। सो आपको ये डॉट है आपको बेसिकली आपको ऑपोजिट साइड से, ठीक है, ऑपोजिट साइड से तब इसको जनरली नेगेटिव कपलिंग है, ठीक है। जैसे आपको दूसरा कनेक्शन है, जैसे ये आपको दूसरा कनेक्शन में आपको इस कॉइल का, ठीक है, करंट ऐसे है तो क्या होगा इसका आपको इस डायरेक्शन में फ्लक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका करंट है आपको ऊपर की तरफ है तो अब आपको फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अभी भी ये नेगेटिव कपलिंग है, दोनों का फ्लक्स नेगेटिव है, अपोजिट है। अगर इसका डॉट नोटेशन देखेगा तो क्या होगा, इसका डॉट नोटेशन है एक साइड अंदर की तरफ है, मतलब एक साइड आपको बाहर की तरफ है, ठीक है। तो आपको अगर आपको डॉट नोटेशन है ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, मतलब पीछे की साइड है या आगे की साइड दिख रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको नेगेटिव कपलिंग है। अगर एक को यहाँ लगाया एक को यहाँ लगाया तो तब भी आपको नेगेटिव कपलिंग है। बेसिकली आपको जो करंट का डायरेक्शन के हिसाब से इसका जो डॉट नोटेशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से बताया था, ये डॉट नोटेशन आपको बहुत ही जरूरी है जो कपल्ड नेटवर्क्स में, जो आपको कॉइल बनाया था एक ही कोर पे, कपलिंग मतलब आपको एक ही आयरन कोर पे कभी भी आपको दो कॉइल दिख रहे हैं तब आपको डॉट नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विदाउट डॉट नोटेशन इसका जो कपलिंग है पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको कभी भी आपको पता नहीं चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज की हमारा टॉपिक है,
हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रेंड्स। थैंक यू।